कोई बच्चा अगर ये दोनों चीजें नहीं निकाल रहा तो वो क्लास अटेंड ना करे। फर्स्ट बेंच पे मैं 8th 10th B में मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने अभी तक भी असाइनमेंट और रजिस्टर नहीं निकाला, वो प्लीज क्लास छोड़ दे। इलेक्ट्रिसिटी बेटे, कॉन्सेप्ट्स एंड वर्कशीट कंटिन्यूड। राइट डाउन द हेडिंग एवरीबॉडी एंड यू शुड रीड द 7th क्वेश्चन। लुक हियर बेटे, व्हाट विल बी अवर टेंडेंसी टू लर्न सेंट्रल लाइन, हेयर द कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड हेयर द क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो वी रेडी? There is a question 7. Everybody, please read it. Shabash, concept. Look here, bete, your attention. If somebody asks you, what is the रीजन फॉर रेजिस्टेंस, इसका कारण क्या है, तो एज पर अवर प्रीवियस डिस्कशन वी विल से कोलियंस अमंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो चलते चलते आपस में टकराते हैं, और दूसरा जिस जगह से ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे आपस में तो टकराएंगे ही टकराएंगे, बीच में एटम्स से भी टकराएंगे, एंड देयर कोलिजंस विद एटम्स ऑब्लिक आयंस। चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में टकराते हैं या एटम्स या आयन से भी टकराते हैं तो उनके मोशन को रुकावट लगती है, और करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स फेस ऑब्स्ट्रक्शंस ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ कोलियंस देन रेजिस्टेंस अपीयर्स। नंबर वन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन बेटे तब क्या हो अगर कोलियंस की वजह से फ्रिक्शन हो और वायर गर्म हो जाए? कोलियंस में फ्रिक्शन होती है, रगड़ा लगता है, आप फ्रिक्शन का चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो। जब फ्रिक्शन होएगी तो हीट पैदा होगी, हीट पैदा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हीट एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी देगा। किनको? इलेक्ट्रॉन्स को। हीट एनर्जी विल बी
अचीव्ड बाय मूविंग काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, आपको पता है लास्ट क्लास का नॉलेज, 9th का, काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स इन मोशन। जैसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में कोलाइजंस बढ़ जाएंगी, फास्ट जाएंगे वो, कोलाइजंस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कोलाइजंस किसका कारण होती है? रेजिस्टेंस का। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब एवरीबॉडी नाउ रीड 7th क्वेश्चन एंड ट्राई टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। बोलो बेटे, व्हाट शुड बी द ऑप्शन? व्हाट शुड बी द ऑप्शन? ऐसे ना फिंगर से बताओ ना, अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो 1, बी ऑप्शन है तो 2, सी ऑप्शन है तो 3। शाबाश। 8th ए इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, 8th बी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे बच्चों को शाबाश। 8th ए इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ओ सॉरी, 10th। चलो 10th ए इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। 10th वाले बच्चे बता क्यों नहीं रहे बेटे? विच इज द ऑप्शन ऑफ 7th क्वेश्चन? 10th भी शाबाश, सभी का ठीक है आपका, ठीक है, आपने सही बताया। 10th ए क्यों नहीं बता रही बेटे? 7th क्वेश्चन ऑप्शन फिर से सुनो, अगर ए ऑप्शन है तो फर्स्ट फिंगर, बी ऑप्शन है तो दो टू फिंगर्स, सी ऑप्शन है तो 3। बोलो बोलो, 10th ए, 10th ए। हाँ बिल्कुल सही बेटे, शाबाश। तो दोनों क्लासों ने सही कॉन्सेप्ट समझा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक वो बोलता है जो हमारी कॉपर की वायर है वो गर्म हो जाती है करंट के निकलने से, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? वेरी सिंपल, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? फ्रिक्शन से, या वैसे बना लो गर्म करके, किसी भी तरीके से टेम्परेचर बढ़ जाए तो हीट पैदा हो, ज्यादा हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रॉन्स फास्ट चलने लगेंगे, फास्ट चलने से उनका नंबर ऑफ कोलाइजंस बढ़ जाएगा, एज ए रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो 7th क्वेश्चन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा तभी आपने सही ऑप्शन दिया दोनों क्लासों में। अब 8th क्वेश्चन है ना, 8th में भी मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, क्वेश्चन आपको बाद में पढ़ना होएगा, फिर उसका आंसर निकालना होएगा, करेक्ट, शाबाश। अभी मत पढ़ो 8th को, पहले मत पढ़ो, नो नीड, पहले हम 8th का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर आप इसको पढ़ना और आंसर ढूंढना। ओके लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन, दिस इज योर सेंट्रल लाइन, हियर वी विल डू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, एंड हियर वी आर डेवलपिंग अवर कॉन्सेप्ट नीडेड फॉर क्वेश्चन 8। ओके सुनो बच्चे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है, और हमने बैटरी लगा दिया, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है। वैसे अभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहां से सर्किट मैंने ओपन रखा हुआ है। मान लो ये वायर यहां से जुड़ा है, सपोज दिस कॉपर वायर इज कनेक्टेड, तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों हमारे सीरीज में लगे हैं, इन सीरीज। अगर मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं, मान लो आर नॉट,
सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, कल का हमने पढ़ा था, जस्ट एज। शाबाश शाबाश। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू बेटे, पॉइंट नंबर टू, अगर मैंने ये चेक करना हो कि इनमें से किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो चुका, मान लो मैं चाहता हूं मेरे को पता लगे आर वन कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना है वी, और आर वन ने कितना कंज्यूम कर लिया वी वन। हाउ विल आई नोट दिस वी वन? आई विल कनेक्ट द वोल्ट मीटर हेयर। वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस आर वन। कोई बच्चा बोलता है सर अगर आपने यहां पर लगा दिया होता और यहां पर लगा दिया होता डायरेक्ट, यहां पर आर टू को भी बीच में ले लिया होता, तब आर वन और आर टू ने मिलके कितना वोल्टेज कंज्यूम करा उसका वैल्यू निकलता, करेक्ट है। लेकिन एक बात बताओ आप ध्यान से, शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन मैम, यहां से आपका पता लगेगा कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने वी वन नोट करके यहां पर रख लिया, ओके। अब मैंने क्या करा, इस आर जीरो को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, डायरेक्ट यहां से वायर जोड़ दिया, डायरेक्ट यहां से, तो क्या वी वन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? एनीबॉडी? वोल्टेज ड्रॉप वी वन कैसे निकलता है? वी वन ओम्स ला बेटे, जो भी करंट इसमें से निकलेगा इनटू आर वन, ओम्स ला, ओम्स ला। और करंट क्या तीनों में सेम होएगा? यस, टीचर ने कल कराया था सीरीज में, देखो मेमोरी टूल याद रखना है, SIS PVS, SIS PVS, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। याद रखना ये, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम, और जो चीज सेम नहीं है दोनों में से, करंट और वोल्टेज में से, वो डिफरेंट होगी। तो ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए थे बेटे, तीनों में करंट सेम जा रहा था, चार लगे हुए थे, चार लगे हुए थे तो आई जा रहा था करंट, मैंने ऐसे वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, कैसे? वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। मेरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिलियंट बच्चा जवाब दे पाएगा, मैंने आर नॉट को निकाल के फेंक दिया और यहां से वायर को कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, तो क्या वी वन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी? एनीबॉडी बोलो बेटे, मेरे को पता लगा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हो ये वाला क्वेश्चन। क्लियर? इज इट क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर? शुड आई पुट इन इन इंग्लिश? इन दिस सीरीज नेटवर्क आर नॉट रेजिस्टेंस इज पुल्ड आउट एंड कॉपर वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर वन। माई क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टेज ड्रॉप वी वन नाउ, विल इट इन, सेम होगी क्योंकि जो करंट होता है वो फ्लो सेम करता है इन सीरीज। और कोई बच्चा? ए 10th B में एक बच्चे ने हौसला कराया कि सर सेम रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, 10th B में, 10th सॉरी B में बताया किसी, 10th A में कोई, नोबडी इज रेस्पॉन्डिंग। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। माय क्वेश्चन, यू वांट क्वेश्चन? सर कान सुनो सुनो, यस। फोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वन इज नोटेड, इट्स रीडिंग इज वी वन, नेचुरली दैट रीडिंग इज गिवन बाय ओम्स लॉ, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। नाउ माई क्वेश्चन इज इफ आर नॉट रेजिस्टेंस इज पुल्ड आउट, दैट मीन्स आउट नाउ इंस्टेड ऑफ फोर रेजिस्टर देयर विल बी थ्री रेजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अगेन, विल द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इंक्रीज और डिक्रीज?
और रिमेन्स द सेम। देखो बेटे, सेम भी जवाब दे दिया आपने, इंक्रीज भी दे दिया, डिक्रीज भी दे, इसका मतलब फंडामेंटल्स कमजोर है। सुनो अब ध्यान से, शाबाश, ध्यान से सुनो। जब मैंने इन चारों को लगा रखा है बेटे, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? इतना, सम टोटल ऑफ ऑल दी फोर। लेकिन जब मैं आर नॉट को निकाल दूंगा, व्हेन आई विल पुल इट आउट, देन रेजिस्टेंस कितना होएगा नया वाला? आर डैश, दैट विल बी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाले रेजिस्टेंस के मुकाबले कम हो गया। जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट आई डैश की वैल्यू पहले वाले आई करंट से ज्यादा हो जाएगी, और जब करंट आई डैश बढ़ गया आई से, तो वोल्टेज ड्रॉप वी वन डैश वो कितना आएगा? ओम्स लॉ, आई डैश इंटू आर वन। ओम्स लॉ यहां पर, वी वन डैश इज इक्वल टू आई डैश इंटू आर वन, तो उतना ही रहेगा क्योंकि ये तो एक कंपोनेंट है, ये मैन्युफैक्चरर बना के देता है इसको, इसकी वैल्यू कितने ओम की है, तो आर वन तो वही रहा, लेकिन वहां पर करंट था आई, यहां आई डैश है। दैट मीन्स आई डैश के आई से ग्रेटर होने की वजह से वी डैश भी ग्रेटर हो जाएगा वी वन से, वी वन डैश विल बी ग्रेटर देन वी वन। इसका मतलब ये हुआ, सीरीज में से अगर रेजिस्टेंस कम कर दें तो निकलने वाला करंट ज्यादा हो जाता है, उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज का कंजप्शन पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट हुआ सेकेंड। थर्ड पॉइंट, बस उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ना है। थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट का क्या है? जिस रेजिस्टेंस को मैं निकाल के बाहर कर रहा था, आर नॉट को, अगर वो वेरिएबल रेजिस्टर हो, वेरिएबल ऐसे एरो लगाते हैं, वेरिएबल, वेरी प्लस एबल, वेरी मीन्स विच हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर ये वेरिएबल रेजिस्टर हो और मैं इस सर्किट में करंट को मैक्सिमम करना चाहूं, तो क्या करूं? आर नॉट को इसकी मिनिमम वैल्यू पे रखूं या मैक्सिमम वैल्यू पे रखूं? कैन एनी बॉडी आंसर? मिनिमम मिनिमम पे, शाबाश। आर नॉट को जब मैं मिनिमम वैल्यू पे रख दूंगा, तो दूसरे शब्दों में उसका यही मतलब हुआ कि आर नॉट को जीरो पे सेट कर दिया या सर्किट से बाहर कर दिया। अगर आर नॉट को मैक्सिमम कर दूंगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा, अगर आर नॉट को वेरिएबल रेजिस्टर को इसकी मिनिमम वैल्यू पे सेट कर दूंगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। करेक्ट। यस अब आप 8th क्वेश्चन पढ़ो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो खुद ही ऑप्शन ढूंढ लो। पढ़ो सब, अब सारे पढ़ो। हाँ बेटे, कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे वोल्ट मीटर में, मिनिमम या मैक्सिमम? बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर या लार्जेस्ट? बोले स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, अगर वोल्ट मीटर की वो स्मॉलेस्ट रीडिंग पूछ रहा है, वोल्ट मीटर की,
तो वोल्ट मीटर करता क्या है? वोल्टेज ड्रॉप करता है। फार्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ, आई इंटू आर। ये वाले रेजिस्टेंस को हम आर वन कह देते हैं, ये को आर टू कह देते हैं, इसको आर जीरो कह देते हैं। तो आर वन मिनिमम होना चाहिए, यस या नो? या अगर आर वन की वैल्यू फिक्स है तो आई मिनिमम होना चाहिए, हाँ यस या नो बेटे? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उतना ही करंट इसमें जाएगा, उसमें उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑल द थ्री कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या हो गया? मेमोरी टूल, एस आई एस, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मिनिमम करंट चाहेंगे, देखो मिनिमम करंट, तो यहां पर जो वोल्ट मीटर का ड्रॉप मेयर होगा वो भी मिनिमम हो जाएगा। आर वन तो फिक्स है, कैसे पता लगा आर वन फिक्स है? दे रखा है 200 ओम। इसका मतलब वी वन को कम से कम करने के लिए, वी वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करंट ही मिनिमम करना पड़ेगा। अब करंट और रेजिस्टेंस आपस में विरोध करते हैं, इसका मतलब है इन तीनों का आपस में जो रेजिस्टेंस है टोटल करके सीरीज में, वो रेजिस्टेंस सीरीज वाला मैक्सिमम होना चाहिए। अब जब मैक्सिमम होना चाहिए तो ये दोनों तो फिक्स वैल्यू के हैं, आर वन और आर टू दोनों ही 200 ओम के हैं, तो जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसको अपनी कौन सी वैल्यू पर सेट होना पड़ेगा? 0 पे के 4000 पे, अगर इसकी रेंज इतनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि तीनों सर्किट्स में तीनों रेजिस्टेंसेस का टोटल मैक्सिमम हो, तो इसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी पड़ेगी या मिनिमम? मिनिमम गलत हो गया बेटे, रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, करंट को मिनिमम करना है। करंट को, करंट तो तभी कम होएगा ना जब रास्ते में रुकावट ज्यादा होएगी। रुकावट कब ज्यादा होएगी? देखो 200 ओम इसका, 200 ओम इसका, लेकिन इसकी भी तो मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाउ मच? 400, 4000, सॉरी 4000 है ना? यस, फोर 4000 पे रखना पड़ेगा हमें वेरिएबल रेजिस्टर, क्योंकि अगर वेरिएबल रेजिस्टर मैक्सिमम होगा तो ये तीनों का जो नेटवर्क है सीरीज नेटवर्क, वो आ रहे करंट में मैक्सिमम रुकावट पा सकेगा। दैट मींस करंट कम हो जाएगा, करंट कम होने से वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4000 प्लस 200 प्लस 200 कितना हो गया सीरीज रेजिस्टेंस? 4400 कितना हुआ बेटे? ओके, अब बैटरी कितना लगा हुआ? अच्छा ये भी 2000 है, सॉरी 2000, दोनों 2000 के हैं, तो कितना हो गया टोटल बेटे? 2000, 2000, 4000, हाउ मच इट बिकम्स? 8000। अब 8000 हो गया, पूरे सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर सीरीज। वी कितना दे रखा है हमें बैटरी का? 12 वोल्ट, करेक्ट। आई को एज इट इज रख लिया, आर सीरीज कितना आया हमारा? 8000। तो यहां से हमारे पास आई निकल जाएगा, ब्रिंग दी 8000 डाउनवर्ड्स, आई कम्स आउट टू बी हाउ मच? 8000 डिवाइडेड बाय 12, करंट आ गया। लेकिन हमने वोल्टेज ड्रॉप पूरे सर्किट में नहीं निकालना, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में निकालना है, पर ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं। टीचर ने मेमोरी टूल क्या दिया है? एस आई एस।
जितना करंट यहां से निकलेगा उतना ही यहां से निकलेगा, उतना ही यहां से, सीरीज में करंट रिमेन्स सेम। इसका मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप मापना भी चाहते हैं, वहां से भी वही करंट निकलेगा जो पूरे सर्किट में से आ रहा है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कोई और, एक ही रास्ता है। अब यहां पर अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हमने, तो उसका फार्मूला फिर से ओम्स लॉ, आई इंटू आर वन लेना है इस बार। क्यों? क्योंकि अकेले आर वन के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा रखा है सर्किट में, बुक में, असाइनमेंट के क्वेश्चन में, तो आई तो हमें पता ही है कितना, ये निकाला। लेट्स पुट इट हेयर, 8000 डिवाइडेड बाय 12। अब आर वन कितना है बेटे? ये गड़बड़ हो गया, 12 बाय 8000, 12 बाय 8000। तो आई वन कितना हो गया? 12 बाय 8000। आर वन कितना है? 2000। यस, यहां पर इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, लेट्स कट इट, फोर फोर कट्स 12, हाउ मच? 3 वोल्ट। ठीक है। एक बार इसको, मुश्किल था थोड़ा सा, एक बार मैं इस पोर्शन में आपको कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को हटा देते हैं, दोबारा से भी बताता हूं अपने बच्चों को, ध्यान से सुनना, जिसको ये समझ आ गया बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए। ये लो, कॉन्सेप्ट वाली जगह हमने बना ली, फिर से देखो। अब मैं इसको फिर से करते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं। लुक हियर, वोल्टेज ड्रॉप कहां पर निकालना है? आर वन के क्रॉस। आर वन के क्रॉस निकालेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस आर वन वाला। रेजिस्टेंस आर वन हमें पता है? हाँ जी पता है। कितना? 2000 ओम। क्या करंट पता है हमें आर वन में से आ रहा? नहीं पता। तो इस करंट को निकाल लाते हैं हम। कैसे निकालेंगे? पूरे सर्किट पे ओम्स ला लगा दो। बैटरी ने 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट, वो करंट सर्किट में आई और कहां से गुजरेगा? इन तीनों में से गुजरेगा, यानी कि आर सीरीज। तो ये करंट हम निकाल लेते हैं। आर सीरीज निकालेंगे कैसे? R0 प्लस R1 प्लस R2। ये ऐड क्यों कर दिए? क्योंकि तीनों सीरीज में फार्मूला यही है। अब जब मैं यहां से I निकालूंगा तो उसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो तीनों में करंट जा रहा है वो R1 में भी तो जाएगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सर्किट को बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर से देखें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर से, ज्यादा हम इसमें क्लस्टर ना करें, तो हमारे पास ये बना। देखो, आर नॉट यहां था, आर वन यहां था, आर टू यहां था, 12 वोल्ट का बैटरी था, ठीक है? तो अब टीचर क्या चाहता है? इस वोल्टेज ड्रॉप को कम से कम चाहता है क्वेश्चन के मुताबिक। अगर इसको कम से कम चाहता है तो ये वाली चीज कम से कम करनी पड़ेगी आई को। क्यों? क्योंकि आर वन को हम कम नहीं कर सकते। कैसे पता है? 2000 ओम गिवन है हमें, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, आर टू को भी नहीं चेंज कर सकते। हाँ, आर नॉट वेरिएबल रजिस्टर है, आर नॉट वेरिएबल रजिस्टर, करंट को कम करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखो, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करंट आएगा? कैसे? आई इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय आर नॉट प्लस 2000 प्लस 2000। अब देखो, ये डिनोमिनेटर में है, अगर आर नॉट मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा,
करंट मिनिमम होने से तो मेरे को कम से कम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पर, कम से कम वैल्यू पुट करने से वोल्टेज ड्रॉप भी मिनिमम हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप स्मॉलेस्ट रीडिंग, ठीक है। तो आर को जब मैं मैक्सिमम करूंगा तो मैंने देखा आर है क्या चीज, वेरिएबल रेजिस्टर, उसकी ऑप्शन क्या क्या, उसकी अबिलिटी है 0 ओम से लेकर 4000 ओम तक वेरी कर सकते हैं, तो मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू पिक कर लूंगा। मैक्सिमम वैल्यू पिक करते ही मेरे को 4000 रखना पड़ेगा, तो दैट मीन्स आई कम्स आउट टू बी हाउ मच, 12/8000। इस 12/8000 को जब मैं यहां रखूंगा तो व्हाट विल बी द आंसर, 12/8000 इंटू 2000, इट बिकम्स 3 वोल्ट। बोलो समझ आया या नहीं बेटे, यस और नो, वेव योर राइट हैंड इफ यस, शाबाश। ये वो चीज है, बस इतना टेक्निक है। देखो उसने स्मार्टनेस क्या करी इस क्वेश्चन में, उसने V1 को मिनिमम करना चाहता है। अब हमें पता है कि V1 को मिनिमम करने के लिए करंट को मिनिमम करना पड़ेगा, करंट को मिनिमम करने के लिए सीरीज नेटवर्क के रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम करने में R1 मदद नहीं कर सकता, R2 मदद नहीं कर सकता, R0 वेरिएबल रेजिस्टर मैक्सिमम कर सकता है हमें, वो कितना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू पिक कर लो। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए, करेक्ट, यस और नो, बोलो बेटे, वेव योर राइट हैंड इफ यस, गुड जॉब। अब आप क्वेश्चन 9 पे आ जाओ, पढ़ो सभी बच्चे, मेरे को बताओ ट्रू या फॉल्स अजर्शन। क्वेश्चन 9, अजर्शन ट्रू या फॉल्स, बोलो एनीबॉडी बोलो। बेटे क्वेश्चन 9 का अजर्शन वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, कॉन्सेप्ट वीक है, बहुत वीक है, सुनो ध्यान से फिर, योर अटेंशन। इफ दिस इज अ कंडक्टर, योर अटेंशन, कॉन्सेप्ट बन रहा है पहले, कॉन्सेप्ट, इफ दिस इज द कंडक्टर देन चार्ज कैन फ्लो थ्रू इट ओनली इफ बैटरी इज कनेक्टेड। जैसे ही मैंने इसके साथ बैटरी कनेक्ट करा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को चलने लगेंगे। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, अपोजिट टू दैट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। कोई बच्चा कहता है सर ये क्या बात हुई, जिधर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उधर कोई करंट लो। नो बेटे, साइंटिस्टों ने पहले करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव ले ली थी, बाद में उनको डिस्कवरी से पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कई सालों बाद कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है जो कि अपोजिट फ्लो करते हैं, इसलिए वर्ल्ड में चली हुई उस कन्वेंशन को वो चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि 25 साल से लोग वही किताबें पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने नियम ही बना लिया, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लोज कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू दैट, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव। ओके, अब करंट का डेफिनेशन क्या है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यों, किसका सिंबल है बेटे, चार्ज का, कितना चार्ज कितने टाइम में निकला, आई किसका सिंबल है, करंट का, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर। पर एक बात पक्की है, ये करंट भी तो तभी आया जब चार्ज हुआ, तो कोई बच्चा कहता है सर चार्ज और करंट में फर्क क्या है, फिर जब तक चार्ज एक जगह पे खड़ा रहे तो हम उसको चार्ज बोलेंगे,
द मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे तो वो करंट बन गया बस। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो करा ये करंट की वैल्यू दे देगा हम, करेक्ट। अगर कोई बच्चा बोले सर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ऐसे जाए, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर, जिगजैग जाए, मूव तो करे इलेक्ट्रॉन, रैंडम मूव करे, तो नो रिजल्ट एट ऑल, तब करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे स्कूल में रिसेस होती है, सभी बच्चे नीचे ग्राउंड में चले जाते हैं, कौन सा किसी भी क्लास का हो, आपस में इधर उधर भागते हैं, बचे हुए टाइम में रिसेस में खेलते हैं, तो मैं ऊपर से खड़ा होकर बोलूं कौन सी क्लास खेल रही है, तो ये यूजलेस क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर मिक्सड अप, रैंडम, नो रिजल्ट एट ऑल, मेरी बात का कोई आंसर ही नहीं। बट द मोमेंट रिसेस पीरियड इज ओवर, आप अपने अपनी क्लासेस में सेटल हो जाते हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगे, तब मैं कह सकता हूं इस क्लास में जो सारे बच्चे एंटर कर रहे हैं वो 10th ए के हैं। इन द सेम मैनर जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए, तब वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जो चार्ज है वो करंट कंस्टिट्यूट करता है, करंट बनाता है फिर। तो अल्टीमेटली एक बात देखी जाए कि हालांकि हम बिजली को करंट बोल देते हैं, लेकिन करंट भी तो तभी बना अगर चार्ज है। इसलिए हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय चार्ज, नंबर वन। नंबर टू, चार्ज इज सेड एज चार्ज ओनली इफ इट इज रेस्ट और एट मूविंग रेंडमली, बट इफ चार्ज इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, इफ चार्ज इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट बिकम्स करंट। अब सारे बच्चे 9th क्वेश्चन पढ़ो, शाबाश, अब पढ़ो। नाइन्थ क्वेश्चन का अजर्शन बताओ, करेक्ट या रॉन्ग? बोलो बेटे, मैंने आपसे ही करवाने हैं, मैंने नहीं आंसर देने, मैं तो कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। 9th क्वेश्चन, अजर्शन इज करेक्ट और रॉन्ग? ट्रू। देखो वर्ड वेरी गुड, देखो अगर किसी बच्चे ने आंसर देखा कितना अच्छा यूनैनिमस आवाज आई क्लास में, ट्रू, क्योंकि समझ आ गया। अब इसके रीजन को आपने ही बताना है, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, मैंने नहीं बताना रीजन करेक्ट है कि नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट सुन लो रीजन के लिए। शाबाश। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक वर्ड पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल, बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ये इसका इंटरनेशनल यूनिट है। कौन सा वोल्ट? सिंबल क्या है? कैपिटल वी। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये होता क्या है बेटे। मान लो आपके मामा जी आपके घर आते हैं, वो आपके मामा मम्मा को बोलते हैं, जो कि उनके दीदी है, दीदी आपकी बेटी में बहुत पोटेंशियल है, ये आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, ख्याल रखना इसका, कंपनी अच्छा रहे, बुरे बच्चों से इसकी दोस्ती ना हो जाए। 8th B के 3 बच्चे फ्रंट वाले क्लास से बाहर चले जाएं, जो पढ़ना नहीं चाहते, येलो टी शर्ट्स, जब आप बाहर जाओगे तो पढ़ाऊंगा बेटे मैं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है आपके, फर्स्ट थ्री थ्री स्टूडेंट्स। मैडम मैडम 10th B के फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स जो बने ना, दो येलो कलर वाले इकट्ठे बच्चे बैठे हैं, इनसे प्लीज पूछ लो अगर पढ़ना है तो क्लास में बैठे वरना जाए। मैंने शक्लें नोट कर लिया बेटे, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा आप पे, क्या अलाउड करना है कि नहीं करना। योर अटेंशन, पोटेंशियल का मीनिंग समझते हैं ध्यान से। आपके मामा आपके दीदी को बोलते हैं, दीदी आपकी बेटी में बहुत पोटेंशियल है, ये आईएएस ऑफिसर बन सकती है, ख्याल रखना इसका पढ़ाई अच्छा हो, कंपनी ना बिगड़े। पोटेंशियल का मतलब रॉ टैलेंट, उसको पॉलिश करना पड़ेगा अभी,
लेकिन वो तो डेली लाइफ की बात हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं पोटेंशियल का क्या मतलब है। सुनो ध्यान से सुनना, मैंने एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट लिया पी, अगर इस पॉइंट में ये खासियत हो, ध्यान से सुनना, अगर इस पॉइंट में ये खासियत हो, ये खूबी हो, ये प्रॉपर्टी हो कि या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके या रिपेल कर सके, या अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, ज्यादा रिपेल कर सके चाहे कम कर सके, तब इसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, एनी पॉइंट हैविंग एबिलिटी लेसर और मोर टू अट्रैक्ट और टू रिपेल द चार्ज हैज पोटेंशियल। नंबर टू, ये पहली बात। नंबर टू, अब पोटेंशियल ज्यादा है या कम है कैसे पता लगे, ध्यान से सुनना। मान लो इसी पॉइंट के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज अकमुलेट कर दिया, अकमुलेट मीन्स इकट्ठा कर दिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अट्रैक्शन करने का मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ गया। कोई बच्चा बोले सर आपने कितना पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज रखा यहां, मैंने बोला 10 कूलम। बच्चा कह रहा सर अगर मान लो आप इसको 50 कूलम रखते हो तो इस पॉइंट पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज करने से ये इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा। दूसरे शब्दों में हम ये बोलेंगे साइंस की टर्मिनोलॉजी में कि पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा 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 होता जाता है किसी पॉइंट का अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की अकमुलेशन ज्यादा 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 होती जाए। अब एक और पॉइंट है जेड, उसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज अकमुलेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन रखता हूं ऐसे छोड़ता हूं, ये एकदम से पुश करेगा, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। मैंने और भी ज्यादा नेगेटिव रख दिया तो इलेक्ट्रॉन और भी स्पीड से रिपेल हो जाएगा। जब किसी पॉइंट पर ऐसी खूबी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को दूर भगा सके, तब उस पॉइंट का पोटेंशियल डाउन 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 चला जाता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट होएगा उतना पोटेंशियल डाउन 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 डाउन। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्स पॉइंट के ऊपर नेगेटिव 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 पोटेंशियल कर दिया तो मैं इसका चार्ज अकोमुलेट कर दिया तो पोटेंशियल डाउन करी जा रहा हूं। वाई पॉइंट के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव 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 चार्ज अकोमुलेट करता जाऊं तो इसका पोटेंशियल हायर करता गया। अगर मैं बीच में से इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, आप सारे कहोगे सर इस इलेक्ट्रॉन को एक्स तो रिपेल करेगा और वाई अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। लेकिन टीचर ने सिखाया था इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा करंट जाता है, कन्वेंशनल करंट। इसका मतलब यह हुआ करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। गॉट इट? अब 9th क्वेश्चन का रीजन पढ़ो। ट्रू या रॉन्ग? ट्रू आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम 10th है। टेंथ ए इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, 10th बी इज वेरी गुड रेस्पॉन्ड, 10th बी प्रेज करनी पड़ेगी। 10th ए नॉट रेस्पॉन्डिंग, नाइन्थ नाइन्थ का रीजन सही है या गलत है?
अगर सही है तो राइट हैंड ऊपर करो, अगर रॉन्ग है तो लेफ्ट। कुछ बच्चे एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं, दैट मींस वो खुद से नहीं बता रहे। शाबाश लिटिल। टेंथ थोड़ा लेजी मेरे को फील हो रहा है। आप बोल के क्यों नहीं जवाब देते वेदर योर माइक इज ओके और नॉट? ट्रू हाँ गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छा। आप बोला, ये टीचर ने मेरी हेल्प करी, आई एम थैंकफुल। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन पढ़ो, इसको खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। बोलो यस या नो, ट्रू या फॉल्स। 10th Yes. बेटे, अगर यस है तो राइट हैंड, नो Yes. है यस। यस देखो आप समझ गए, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज। इसी पॉइंट से सॉल्व हो गया कि उसने बोला पोलैरिटी ऑफ द चार्ज अकमुलेटेड एट ए पॉइंट आल्सो डिसाइड्स वेदर द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज हायर और लोअर अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द चार्ज अकमुलेटेड। यस, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डिसाइड करते हैं चार्ज हायर है कि लोअर। रीजन बताओ। ट्रू या फॉल्स बेटा, इंडिकेशन बोला है ना, ट्रू है तो राइट हैंड, फॉल्स है तो लेफ्ट हैंड। रीजन 10th ए नॉट रेस्पॉन्डिंग ट्रू बेटे। हाथ मेरे को तो हैंड से इंडिकेशन चाहिए। ट्रू, ट्रू सर ट्रू शाबाश शाबाश। 10th ए इज आल्सो गुड। मैं ये चाहता हूं कि मैं जैसे प्रेज कर रहा हूं ना 10th बी की, मैं ये चाहता हूं कि 10th ए की भी ऐसे प्रेज करूं मैं। वो वाला रेस्पॉन्स 10th ए से नहीं मिल पा रहा, पता नहीं क्या बात है। गुड, वैसे दोनों क्लासों के बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, 10th ए थोड़ा लेट रेस्पॉन्ड करता है। तो आंसर ये है कि यस, ये इसका रीजन भी ट्रू है। तो 10th क्वेश्चन अजर्शन, 9th का अजर्शन रीजन दोनों ट्रू, और 10th का अजर्शन ट्रू रीजन भी ट्रू। टर्न टू द सेकंड पेज ऑफ असाइनमेंट। सेकंड पेज असाइनमेंट, 1 मार्क क्वेश्चन। सभी हाँ सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने आप में। बेटे देखो, शाबाश। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। वी आर गिवन टू रेजिस्टर्स, दोनों की वैल्यूज अनइक्वल है, क्लियरली मेंशन्ड है स्टेटमेंट, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, विलेज एक्स विलेज वाई, विलेजर्स कैन गो फ्रॉम ब्रिज नंबर 1 टू ब्रिज नंबर, फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, विलेजर्स कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम सेकेंड ब्रिज। यस सर, व्हेन टू ब्रिजेस मीट द सेम पर्पस, ब्रिजेस कैन बी सेड इन पैरेलल। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू R1 एज वेल एज R2, दैट मीन्स दे आर सर्विंग द करंट, सर्विंग द सेम पर्पस। अब हमने इनको पैरलर में लगा दिया, शाबाश। क्वेश्चन पढ़ो, अब क्या कह रहा है। टू अनइक्वल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरलर, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। जो इनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगेगा V1, उसकी रीडिंग, जो इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगेगा उसकी रीडिंग, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या यस ये दोनों अनइक्वल होंगे? सर, यस यस वोल्टेज सेम। सर।
सभी में से कौन सा ट्रू है बताओ। सभी अरे ऑप्शन दोनों सेम दोनों होंगे, ऑप्शन दोनों सेम दोनों होंगे क्योंकि सेम होएंगे क्योंकि बैलर है, क्योंकि सर, क्योंकि बैलर है सर, बैलर सर बैलर है। वेरी गुड। क्या बच्चा बता सकता है कौन सा मेमोरी टूल दिया था टीचर ने पैरलर के लिए? व्हाट क्वेश्चन रिपीट करना। इज यस द सर। मेमोरी टूल टू रिमेम्बर दैट वोल्टेज ड्रॉप रिमेन्स सेम इन पैरलर? SIS पीवीएस। शाबाश। इन पैरलर वोल्टेज रिमेन्स सेम। PVS। यस सर। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब अगर इधर से करंट आता आई और वो बंट जाता I1 और I2 में, वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट होते, क्योंकि टीचर ने बोला था जो चीज सेम करंट होती सेम है नहीं होते, वोल्टेज सेम होती है पैरेलल की, उसका हाँ ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा जो सीरीज में होता है। क्या बात है। बिजली के दो ही करेक्टर होते हैं, एक एक करंट एक वोल्टेज, यस सर। जो पैरामीटर सेम होएगा उसके बिना जो दूसरा बच गया वो डिफरेंट होगा। हाँ एक केस में ये करंट I1 और I2 बराबर हो सकता है अगर दोनों रेजिस्टर्स सेम वैल्यू के हों, मिक्स कॉम्बो जैसे कि पर क्वेश्चन में अनइक्वल दे रखा है, देखो तो करंट से डिफरेंट होएंगे वोल्टेज सेम होएगी। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो अब। सेकंड क्वेश्चन, शाबाश। हमने इस वायर के रेजिस्टेंस को डाउन लाना चाहते हैं, डाउन, इस वायर के रेजिस्टेंस को डाउन लाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। व्हाट इज द मेथड? जो लेंथ होगी वायर की वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लेंथ कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम अरे होगा। ब्रेथ भी सर कम होनी चाहिए, वायर छोटी होनी चाहिए सर। तो वायर छोटी होने से रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है? सर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली छोटी जगह से जल्दी मूव करेंगे, उनको इतना डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। और इसमें यह भी ऐड करना है बेटे कि जब वायर का लेंथ कम होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को छोटा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा और उनकी आपस में कोलियंस की गिनती, काउंटिंग नंबर ऑफ क्लायंस, उनका आपस में टकराव कितनी बार होता है वो गिनती भी कम हो जाएगी। ये साथ में लिखनी है याद। लेसर द लेंथ ऑफ द वायर, लेसर विल बी द पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू, लेसर विल बी द नंबर ऑफ क्लायंस एंड हेंस रेजिस्टेंस विल बी लेसर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्लायन ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट, हमने आर का फार्मूला पढ़ा था, रो एल अपॉन ए, एल के कम करने से रेजिस्टेंस कम हुआ, कोई और भी तरीका है रेजिस्टेंस को कम करने का? रेजिस्टेंस एक तो आपने बता दिया, एल रिड्यूसेस रेजिस्टेंस, रिड्यूसेस। इज देयर एनी मेथड? बोलो। इस वायर के सर ब्रेथ भी छोटी होनी चाहिए सर, पतली होनी चाहिए वायर। बैठो बैठो बेटे, गलत होगा। करना क्वेश्चन रिपीट। माई क्वेश्चन इज बाय रिड्यूसिंग लेंथ इस वायर को छोटा करने से रेजिस्टेंस कम होएगा, ये आपने बता दिया। इज देयर एनी अदर मेथड टू रिड्यूस दी रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द लेंथ? लेंथ को नहीं चेंज करना, रेजिस्टेंस को कम करना है, कोई मेथड है? तो डायमीटर इंक्रीज कर दो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी ज्यादा ओपन एरिया से वाइडली इजली मूव कर जाएंगे, इतनी ऑब्स्टेकल नहीं होगी, इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी।
सर क्रॉस बहुत सेक्शन एरिया सर इंक्रीज करने से सर हो जाएगा। बेटे ये दोनों बच्चे नाम बताओ अपना, मेरा दिल करता है कि मैं उनको वहां पर जाके शाबाश दे, शाबाश सुखमनी सुखमनी, वेरी गुड बेटे, 8th B में दिल खुश हो गया मेरा, बहुत ही बढ़िया आंसर बोला। और 8th A में भी बच्चे ने, कौन सा था बच्चे, एट्थ कर्मन सर, शुभ कर्मन। शुभकर्मन, वेरी गुड, दोनों ही बच्चों ने एक्सेलेंट आंसर दिया, शाबाश। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी फार्मूले में डिनोमिनेटर वाली चीज को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो सामने वाला आंसर डिक्रीज हो जाता है। ए का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब तार मोटी होनी चाहिए, क्यों, अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो 10th में आप सर्कल का फार्मूला क्या पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस, और रेडियस खुद क्या होता है, डायामीटर से आधा होता है, इसका मतलब है डायामीटर हमें दे रखा है, देखो आर की वैल्यू पुट करें d/2, स्क्वायर करना ही पड़ेगा, पाई d² / 4 क्या हो गया ए, हम ए को ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा करने के लिए पाई को चेंज नहीं कर सकते, 4 को चेंज नहीं कर सकते, ए को ज्यादा करना है तो डायामीटर बढ़ाना पड़ेगा, डायामीटर बढ़ने का मतलब है तार मोटी होनी चाहिए, इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या तो लेंथ को कम कर दो, या फिर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, डायामीटर बढ़ा दो, या फिर ये दोनों काम कर दो, ये भी और ये, इज दैट क्लियर, यस और नो, वेव योर राइट हैंड इफ इट इज क्लियर, क्योंकि इस बच्चे ने बोला कि जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे ना सर, तो जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनको गुजरने के लिए खुली रास्ता, खुला रास्ता मिल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्राउडेड प्लेस में ना जाकर खुले रास्ते से जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ कोलाइजंस कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ कोलाइजंस कम होने से रेजिस्टेंस कम होएगा, क्यों, क्योंकि कोलाइजन ही तो रेजिस्टेंस का कारण बनती है, यस सर, ऐसे समझो जैसे आपने भीड़ में से गुजरना और दूसरी तरफ आपने ग्राउंड में से भागना, तो ग्राउंड में आपकी टक्करें कम आएंगी, यस इन द सेम मैनर। तो मेरे बच्चों को ये अच्छे से समझ आया कि कैसे रेजिस्टेंस को वेरी करना है। लेट्स मूव टू दी, इसका कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे, ऑप्शन कौन सा हुआ, ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बोलो क्या, डायामीटर को इंक्रीज कर दो, ठीक है, डायामीटर को इंक्रीज कर दो, बी ऑप्शन। एक इसमें और बताना चाहूंगा, इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर के ऊपर भी, सर टेम्परेचर के बढ़ाने से भी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यस सी ऑप्शन भी सही है, इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों टिक कर दो, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है, ना बी भी सही है, सी भी सही है, सर क्वेश्चन रिपीट करना, बेटे मैंने आपको बोला था ना टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलाइजंस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, सही है सही है सॉरी हमने तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है ना, इसमें नहीं इंक्रीज, होएगा, हाँ सो सी ऑप्शन नहीं होएगा फिर, क्योंकि ऊपर उसने लैंग्वेज में लिखा है एन इंक्रीज इन दी, सॉरी सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी बेटा सेकेंड क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली बी, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, सर टाइम ओवर हो गया है सर, टाइम ओवर, यस सर, यस इसका टाइम ओवर हो गया मेरा आपका,
ये बोलो ना, ऐसे बोलो सर छुट्टी का टाइम, आपने बोला टाइम ओवर हो गया, मैंने कहा मेरी हेल्थ तो ठीक है अभी, अभी तो कुछ नहीं हुआ मेरे को। नहीं कोई बात नहीं सर, पढ़ा दो सर, आप कॉन्सेप्ट समझा दो, छुट्टी तो होती नहीं रहेगी। नहीं शाबाश, देखो देखो, दिस इज रिगार्ड फ्रॉम योर साइड, लेकिन मेरे को याद है जब मैं स्कूल में होता था ना, लास्ट पीरियड में जब टाइम हो जाता है छुट्टी का, उसके बाद भी अगर कोई टीचर पढ़ाए ना, वो बहुत बुरा लगता है, कितना ही बढ़िया टीचर। सो ऐसे ही मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, बाकी का लेक्चर हम लेंगे कोई बात नेक्स्ट नहीं टाइम। सर, पढ़ा दो आप। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, यस सर। लेट्स मूव नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।